तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत करते हैं लोग हमारे न्यू और बहुत ब्रांड वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं फन गेमिंग यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब। वीडियो पसंद है तो लाइक। तो कैसे हम लोग दोबारा इसके लिए माइनक्राफ्ट के आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं अपने लिए छोटा मोटा सा घर, क्योंकि मैं हमारे सब रहने सहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने जो ब्लेजर ट्रेडिंग हॉल में रहता है मैं उसी में रहता हूँ। एंड गाइस, हम तो गरीब इंसान है, कहीं भी झोला उठा के चल देंगे, हमें क्या दिक्कत। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। गाइस, अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैं सच बोलूं तो आज मैं एक कासल बनाने वाला हूं जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। एंड उसको देख के बस आपके दिल में एक ही ख्याल आएगा, ये तो चिट्टी है। अरे यार गाइस, मैं इस ख्याल की बात नहीं कर रहा था यार, मैं सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाले ख्याल की बात कर रहा था। जरा एक बार हो जाए फिर। ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ यार, अब हुई ना बात। तो चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं कासल के इक्विपमेंट जमा करने। एंड चलिए अपनी वीडियो करते हैं अब हम लोग स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस यार देखो, सीधी बात है, आज के स्टूडियो में हम सीधे कासल बनाएंगे, कोई फर्जी काम नहीं करेंगे। बस अपना सामान जमा करेंगे और अपना कासल बनाने लग जाएंगे। कोई विलेजर से मतलब किसी से कुछ फर्जी बात नहीं, कुछ फर्जी काम नहीं। तो मैं बता दूं इस कासल को बनाने के लिए लगने क्या वाले हैं। सो इक्विपमेंट लगने वाले स्टोन ब्रिक, पॉलिश ब्लैक स्टोन ब्रिक, पॉलिश ब्लैक स्टोन की वॉल, पॉलिश ब्लैक स्टेयर, लैम्प, टॉर्च, आयरन के डोर, आयरन की प्रेशर प्लेट, और गाइस ब्लैक कारपेट, रेड कारपेट, वाइट कारपेट, और लगने वाला है और एक और नज़र रैक नहीं होती है ना गाइस, जो अजीब सी दिखती है, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये सब लगने वाला है। तो हाँ, तो गाइस चलिए से अब हम लोग चलते हैं अपना सारा कासल का सामान जमा करने के लिए। एंड सारा सामान जमा करके फिर आपसे मिलते हैं। गाइस ज़रा एक सेकेंड रुक के यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो अपना जॉम्बी एक्सपी फार्म है मैंने से एक बार या दो तीन बार एक्सपी कलेक्ट करी है वाली फार्म से अपने जॉइंट वाले से। तो वैसे भी जॉम्बी अपने कोई काम भी आते नहीं है, तो इनको मार देते हैं। एंड जॉम्बी भी लाइक, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। यार गाइस, इनको जो सोचना है सोचने देते हैं और इनकी मार लेते हैं, सॉरी मतलब इनको मार लेते हैं और एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं। यार ना तुम लोग का दिमाग ना बुलेट ट्रेन से भी तेज है, मतलब कहीं भी फौरन पहुंच जाता है। चलो गाइस बहुत बातें हो गई। तो गाइस जैसे कि हम लोग को यहाँ पे स्टोन ब्रिक की कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कबल स्टोन बहुत पड़ा है। मेरे पास 3 डबल चेस्ट कबल स्टोन पड़ा हुआ है, खाली बस इन सबको ना स्टोन ब्रिक बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड गाइस चलो गाइस, अब बहुत देर हो चुकी है, अब चलते हैं अपने कासल का सामान जमा करने के लिए। एंड बनाते हैं अपने कासल को, चलो चलो। हाँ तो गाइस फाइनली पूरे के पूरे 10 दिन लगाने के बाद हमारा सारा सामान जमा हो चुका है। जैसे देख लो, इसमें एक चलकर पूरा हमारे पास स्टोन ब्रिक, याले में भी स्टोन ब्रिक है एंड हमारे पास थर्ड वाले में भी स्टोन ब्रिक है। तो 3 चलकर हमारे पास स्टोन ब्रिक है, बहुत है, काम चल जाएगा अपना। एंड इसमें नदर रैक है, स्लैब है, एंड यहाँ पे आयरन के चेस्ट प्लेट, एंड यहाँ पे डोर है। एंड गाइस इसमें भी गाइस अपने पॉलिश ब्लैक स्टोन है, एंड ग्लास है, एंड स्लैब है। तो गाइस बहुत टाइम वेस्ट भी हो चुका है। एंड गाइस अब हम लोग चलते हैं अपना कासल बनाने के लिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ तो गाइस कासल के जैसे ही हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग हॉल के जो सेंटर के 2 ब्लॉक निकाले एंड यहाँ पे लगा दिए हैं, एंड यहाँ पे अपने सारे शल्कर रख दिए जिसमें सामान है। हाँ तो गाइस यहाँ से हम लोग पहले स्टोन ब्रिक निकाल लेते हैं, अपने इन्वेंटरी में लग देते थोड़े से, क्योंकि हम लोग कासल की आउटलाइन बनाने वाले हैं। आउटलाइन काफ़ी खतरनाक शेप में होने वाली है एंड ये कासल काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो खाली तुम आउटलाइन देखना इसकी। तो गाइस सबसे पहले ना यहाँ से हम लोग को एक ब्लॉक चूज़ कर लेना है दोनों में से कोई से भी, एंड यहाँ से 11 ब्लॉक छोड़ते हुए चले जाना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7 8 बार तो मैंने तोड़ ही दिया, एंड यहाँ पे 9 10 एंड 11, एंड यहाँ पे ब्लॉक रख देना है। एंड 20 ब्लॉक लेफ्ट साइड एंड 20 ब्लॉक राइट साइड कर देना है, एंड 40 की हम लोग के यहाँ पे लाइन खींच लें। हाँ तो गाइस लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ 20 ब्लॉक लगाने के बाद हम लोग करना है कि हम लोग को दोबारा से स्टोन ब्रिक लेना है, एंड लेफ्ट राइट फिर से मतलब कोई एरिया ले लेना, आप लोग कोई भी साइड ले लेना दोनों तरफ से। एंड गाइस फिर हम लोग को यहाँ से पूरे 1 2 3 4 5 6 इधर लगा देना है, एंड 40 ब्लॉक के इधर से फिर से लाइन खींच के एंड उधर भी 6 ब्लॉक लगा के ऐसे मिला देना है। हाँ तो गाइस जैसे कि हमने एक बहुत बड़ा सा भी इसे स्क्वायर बनाया है, तो हम लोग को करना है कि हम लोग को दोबारा से यहाँ पर ले लेना है हम लोग को स्टोन ब्रिक। एंड गाइस हम लोग को करना है कि 35 की एक हम लोग को लाइन खींचनी है एंड 40 की लाइन खींच के इसको मिला देना। हाँ तो वो 35x40 का स्क्वायर बनने के बाद हम लोग को कॉर्नर पर आ जाना है, एंड यहाँ पे हम लोग वॉच टावर बनाना है चारों कोने से। पहले हम लोग कॉर्नर पे 3 ब्लॉक लगा देना है, एंड उसके आगे गाइस हम लोग को छोड़ के यहाँ पे 1 2 एंड इस साइड से भी आराम से 3 लगा देना है। एंड गाइस अब हम लोग को इधर से एक ब्लॉक छोड़ के, अरे गलत लग गया इसको, चलो इसको भी हम तोड़ देंगे। एक ब्लॉक छोड़ के गाइस यहाँ से भी हम लोग को 3 ब्लॉक लगा देना है, 1 2 एंड इधर से 3 एंड यहाँ तोड़ देना है, एंड ऐसे हम लोग को चारों कॉर्नर पर बना लेना है।
हाँ तो बस चारों कॉर्नर पे वॉच टावर की आउटलाइन बनाने के बाद हम लोग करना है कि हम लोग को 35 की जो लाइन खींची थी उसका हम लोग को एक सेंटर ब्लॉक ढूंढ लेना है। तो आप लोग अपना 35 की जो लाइन खींचना है उसका सेंटर ब्लॉक ढूंढ लेना एंड फिर से हम लोग को स्टोन ब्रेक ले लेना है। एंड गाइस ये जैसे कि हमारा सेंटर का ब्लॉक है तो यहाँ से हम लोग को 1 एंड यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे 7 वाले ब्लॉक में हम लोग को ब्लॉक रख देना है। एंड इसके आगे फिर से हम लोग को 5 ब्लॉक की एक लाइन खींच लेनी है जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर ऐसे कि टेक्नो गेमर का आपने साइड वाला वॉच टावर देखा था ना बड़ा सा रूम वॉच टावर वाला, तो वही मैं बनाना चाह रहा हूँ। हाँ तो गाइस अब मैं आपसे पूरा कासल रेडी करके मिल रहा हूँ एंड मैं अपना पूरा कासल फास्ट ओवर में बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे उससे रिक्वेस्ट देख लेना। ओके Much, much, much later. हाँ तो गाइस यहाँ पे अपना पूरा कासल रेडी हो चुका है, खाली अंदर का इंटीरियर एंड गेट बाकी रह गया, लाइटें बाकी रह गई हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये देखो ये वाला शलकर जो है ये भी खाली है एंड ये वाला शलकर जो है ये भी खाली है एंड ये वाला देख लो ये वाला शलकर भी ये भी खाली है। तो आप लोग खुद समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सारा सामान खत्म, खाली 9 स्टैक हमारे पास स्टोन ब्रिक बाकी है। तो गाइस हमारा सारा का मतलब पूरा का पूरा नहीं थोड़ा सा कासल रेडी हो चुका है, तो क्या आप लोग उसको देखने के लिए रेडी हो? नहीं यार अगर नहीं देखना है लेकिन मैं तुम्हें फिर भी दिखा रहा हूँ कि 1, 2 एंड 3। तो ये रहा गाइस अपना प्यारा सा कासल, लेकिन अभी इसका गेट एंड इंटीरियर एंड लाइटें बाकी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा एंड इंटीरियर की एक अलग से वीडियो होगी। मैंने खाली टेक्नो गेमर के साइड वाले जो वॉच टावर है ना यही चुराने की कोशिश करी थी यार एंड मेरे से ये भी कैसे से नहीं बने यार गाइस, लेकिन मैंने ना अपना कासल पूरा दिमाग से बनाना है। खाली मैंने साइड वाले टेक्नो गेमर को बनाने की कोशिश करी थी लेकिन मेरे से वो बने नहीं एंड इसका खाली गेट इंटीरियर एंड लाइटें बाकी रह चुकी हैं अंदर की, तो इंटीरियर पर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। जरा सब कमेंट बताओ अपना कासल कैसा लग रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। यार तुम लोग वाकई में बहुत तेज़ हो यार, मैंने तुम्हारे लिए 2 वीक नहीं यार 4 वीक लगा के एक कासल बनाया, 1 महीना लगा के, और तुम लोग कह रहे हो यार बेकार है। यार मैंने तुम्हारे लिए यार इतनी मुश्किल से कासल बनाया, यार थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो कासल की प्लीज़। ओके हाँ तो यार बहुत बकलोली हो गई। चलो गाइस अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। ऐसे ही मिलेंगे आपको अमेजिंग अदर द न्यू गेम की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।